सेंट टेनिस एसोसिएशन और कराची के टेनिस एसोसिएशन के ताबुन से तीसरा आफिफ आज़ादी कप टेनिस चैंपियनशिप कराची के मकामी क्लब में मुनक़िद किए जा रहे हैं। टूर्नामेंट में 125 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पहले दिन ही मर्दों का सिंगल्स और जबकि गर्ल्स के अंडर 11, 13 और अंडर 15 सिंगल और डबल राउंड के मुनक़िद हुए। बहुत अच्छा लगता है कि सब खेल सकता है ना आसानी से, और मज़ा भी आता है, एक्सपीरियंस लर्निंग एक्सपीरियंस है ना, कि अगर हारते हो तो फिर सीखते हो हारने से, फिर जीत जाते हो आखिर में। हाँ, मैं 3 साल जब मैं था मैंने शुरू किया टेनिस खेलने, और स्कूल में मेरे ख्याल में अभी मेरा स्कूल में कोई भी नहीं है टेनिस करने, लेकिन पाकिस्तान में हैं लोग जो बेहतर खेलेंगे, एसाम और अकील के तरह बनेंगे। जी तो स्कूल नहीं सिखाती है टेनिस, सिर्फ हम स्कूल में फुटबॉल बास्केटबॉल ही खेलते हैं, लेकिन कराची टेनिस एसोसिएशन में टूर्नामेंट्स देते हैं वो लोग, तो हम खेलते हैं, हम इंजॉय करते हैं, हमारी गेम इंप्रूव होती है, हम दूसरों से भी मिलते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है कराची जो टेनिस ऑर्गेनाइजेशन कर रही है ना, अच्छी चीज़ कर रही है। इस मौके पर कराची टेनिस एसोसिएशन के सदर खालिद रहमानी का कहना था कि जश्न आज़ादी की खुशी में हर साल टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाता है। बहुत शुक्रिया जी। असल में ये जो तीसरी आज़ादी आफीफ ट्रॉफी रैंकिंग टेनिस चैम्पियनशिप है, ये राशिद सिद्दीकी साहब जो आफीफ ग्रुप वाले करते हैं, और मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा DHA बीच व्यू क्लब का और DHA की एडमिनिस्ट्रेशन का कि वो यंग टैलेंट जो है उनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अपनी जगह दी हुई है। और ये जो कोर्ट्स हैं अभी इन्होंने रिसेंटली कई मिलियन रुपीस लगाकर इन्होंने जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के US ओपन के कोर्ट्स हैं वो यहाँ पर लगाए हैं, और हमारे बच्चों को एक बड़ा अच्छा फैसिलिटी मिल रही है। और हमारे पास राय 125 से ज़्यादा पूरे प्रोविंस के खिलाड़ी हैं जो कि इसमें खेल रहे हैं, और एक हफ़्ता ये टूर्नामेंट चलेगा, और मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा टैलेंट जो है जो कि हमें नज़र आना शुरू हो गया है, अब उसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं, और बल्कि अगले महीने हम एक ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें टॉप 8 जूनियर्स जो हैं उनको राउंड रॉबिन पर हम लेके जा रहे हैं, उसके लिए स्पॉन्सरशिप हो चुकी है। जबकि इस मौके पर वालदेन और खिलाड़ी इस गेम के हवाले से गिला करते भी नजर आए, उनका कहना था कि स्कूल में इस गेम पर तवज्जा नहीं दी जाती। स्कूल का पार्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के स्पोर्ट डेवलपमेंट के लिए, नॉट ओनली स्पोर्ट डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए। अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स में ये फैसिलिटी नहीं है टेनिस कोर्ट की, एक तो जगह नहीं, स्कूल्स हैं छोटे, ऊपर से अगर वो टेनिस कोर्ट रखते हैं तो 2 बच्चा खेल सकते हैं एक टाइम पे, 2 से 4, तो उससे बेहतर वो फुटबॉल फील्ड रखें ताकि 12-13 लोग खेलें। तो अगर हम स्कूल की तरफ जाते हैं तो 2 चीज़ें, एक तो कि उनकी स्पोर्ट बिल्डिंग में स्कूल का बहुत बड़ा किरदार है, और वो जितनी फैसिलिटीज़ दे सकते हैं तो मैं स्कूल को नहीं ब्लेम करूँगी, वही फैसिलिटीज़ में वो बच्चों को स्पोर्ट्समैन बनाते हैं। सेकेंडली कि टेनिस क्यों नहीं है, तो पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हर स्कूल फैसिलिटीज़ में टेनिस नहीं हो सकता है, क्योंकि इनको अकोमोडेट करना है 1 क्लास के 50 बच्चों को। प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं, स्लो प्रोसेस होती है, इंशाल्लाह मैं भी बच्चों को लेकर आती हूँ, रोज़ की डेली डेडिकेशन होती है तब जाके बच्चा कुछ सालों में जाके निकलता है। और यहाँ पे काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, हम सब बच्चों को पार्टिसिपेट कराते हैं, तो इंशाल्लाह इफ़ नॉट नाउ बट इन द नियर फ्यूचर अपने कराची से भी इंशाल्लाह बड़े प्लेयर्स निकलेंगे। टूर्नामेंट 1 हफ्ते तक जारी रहेगा जिसमें 125 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कैमरा टीम रिपोर्टर के साथ रोज न्यूज़।